शारदीय नवरात्रि के महाअष्टमी पर्व पर माँ कालिका ने किया 16 श्रृंगार, राजघराने की वर्षों पुरानी परंपरा हुई संपन्न। श्रृंगार के बाद होगी अब महाआरती। नवरात्रि के अष्टमी पर हर वर्ष होता है माँ कालिका का 16 श्रृंगार, होती है विशेष आरती। आपको बता दें कि नवरात्रि की महाअष्टमी पर्व पर आज रीवा के सुप्रसिद्ध रानी तलाव स्थित माँ कालिका मंदिर में परंपरागत तरीके से माता रानी का 16 श्रृंगार किया गया। ये प्रथा राज महाराजाओं के जमाने से वर्षों पुरानी चली आ रही है, जो पूर्व में राजघराने की ओर से निभाई जाती थी और अब इस परंपरा का निर्वहन जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है। बता दें कि रीवा के महाराजा विश्वनाथ के द्वारा हीरा मोती और सोना चांदी से माता रानी के लिए जेवरात बनाए गए थे, जिससे आज भी महाअष्टमी के दिन माता रानी का श्रृंगार किया जाता है। रानी तलाव मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी माता रानी के श्रृंगार के इस दृश्य को देखने के लिए दूर दराज से भक्त आते हैं और माता रानी का दर्शन पाने के लिए व्याकुल होते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में माँ कालिका का 16 श्रृंगार किया गया। इस दौरान डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल की पत्नी सहित एसडीएम हुजूर और नायब तहसीलदार यति शुक्ला सहित बतौर सुरक्षा भारी पुलिस बल मौजूद रहा। ये रीवा का रानी तालाब आज भक्तों का केंद्र बिंदु बना हुआ, जो कि इसकी देखरेख पहले रजवाड़ों द्वारा की जाती थी, आज सरकार द्वारा जिसकी पूरी देखरेख की और आज इसकी भव्यता देख रहे हैं। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी द्वारा जो है इसका आज भव्य स्वरूप धारण किया गया है, जिसकी बखान की किसी वाणी से नहीं की जा सकती, कहां से कहां तक बखान की गई। और राजा विश्वनाथ सिंह के ज़माने में ये जेवरात बनवाया गया था, जो कि माई के दरबार में 6 महीने में जो है 2 दिन अष्टमी और नवमी का स्वर्ण का श्रृंगार और हीरे पन्ना जवाहरात का श्रृंगार होता है, जो कि आज के दिन अष्टमी और नवमी को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं कि माता जी के पुराने रजवाड़ों के जमाने का श्रृंगार का दर्शन आज होगा। तो चैत और कुमार साल में 2 बार जो 4 दिन देखने के लिए श्रृंगार मिलता है, ये लाकर में रखा जाता है, इसको जो तो तहसीलदार एसडीएम द्वारा ले आकर के जगदम्बा के सजवाया जाता है और इसको जाकर लाकर में रखा जाता है। इसमें माई का 16 श्रृंगार है, जैसे जिस कन्या का विवाह होता है उसका 16 श्रृंगार हुआ करता है, तो रजवाड़ लोग जब देवी का श्रृंगार कराया करते थे 16 श्रृंगार कराया करते थे, फिर 16 श्रृंगार करा के फिर उनके चरणों का आशीर्वाद लिया करते थे, वही श्रृंगार माई के यहाँ लगता। प्रतिवर्ष यहाँ पर माता जी का अष्टमी और नवमी के दिन महाश्रृंगार किया जाता है और ये जो आभूषण है ये हमको राजघराने से और उसके बाद जो भी श्रद्धालुगण यहाँ पर दान करते हैं उसको यहाँ मिला करके बना हुआ है और इसके यहाँ पर अष्टमी और नवमी को माता जी का महाश्रृंगार किया जाता है और महाश्रृंगार कराने के पश्चात जो 2 दिन के बाद इसको वापस ट्रेजरी में जमा कर दिया जाता है, फिर अगले वर्ष उसको फिर उसी तरीके से निकाला जाता है। हाँ, पुलिस की सिटी कोतवाली पुलिस पूरी तरह यहाँ लगी हुई है, साथ में आज यहाँ जगराता का भी प्रोग्राम है तो पुलिस की पूरी व्यवस्था लगी हुई, साथ में MP भी, नगर निगम, अन्य विभाग के भी कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं।